Bunu şuraya.
10th class students, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. आप ठीक हैं? अच्छे से हैं? हाँ, तो आज आपकी ग्रामर क्लास है, कल भी आपको ग्रामर था, कल मैंने आपको हरूफ कराए, तो आज मैं आपको मजमून के बारे में बताऊंगी, इल्म के फायदे, जो अहम मजमून है आपके लिए, हर साल इम्तिहान में आता है, तो ये आप जहन में रखेंगे कि ये मजमून क्या है, इल्म के फायदे। इल्म क्या है? इल्म दुनिया में एक बहुत बड़ी दौलत है, ये लाजवाब दौलत है, इसका कोई भी सवाल नहीं है। तो इल्म हासिल करने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, ये वो दौलत है इल्म, जो फना नहीं हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती है। जितना भी इंसान इसके लिए कोशिश करेगा, उतना ही इंसान का इल्म बढ़ता है। इल्म से क्या होता है? इल्म से ही इंसान अपने अल्लाह को, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता है। रसूल के फरमान को हम तभी समझेंगे जब हमारे पास इल्म होगा, जब हम खुद पढ़ेंगे, जब हम खुद देखेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक का क्या फरमान है। अल्लाह ताला के वजूद को हम तभी समझेंगे जब हमारे हर एक बात हमारे समझ में आएगी इल्म से ही, वरना अगर हम इल्म के बगैर होंगे, हमें हम इल्म नहीं जानते होंगे, तो हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, और हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या करना है जिंदगी के, जिंदगी गुजारने के लिए हमें क्या कुछ करना है, तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इल्म, इंसान इस इल्म से ही इंसान अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर सकता है, पा सकता है। इल्म नूर है, जिस तरह से जब सूरज तुलु हो जाता है, हर तरफ से सूरज की रोशनी फैल जाती है, ऐसे ही इल्म है। जो इल्म वाला इंसान होगा, जिस मजलिस में भी वो बैठेगा, जहां भी वो जाएगा, वो इल्म, अपने इल्म की वजह से सबको मुनव्वर कर सकता है, सबको रोशन कर सकता है अपने इल्म की वजह से। इल्म से जहालत, गुमराही, ये चीजें सब दूर हो जाती है, इंसान इंसान में एक तमीज आ जाती है, इंसान नेकी, बदी, सच्चाई, सच, झूठ वगैरह में तमीज कर सकता है इल्म की ही वजह से। और इंसान अपने फराइज समझता है कि मेरे फराइज क्या है, मुझे कैसे अपने फराइज अदा करने चाहिए। तो इल्म की मदद से इंसान ने हर एक चीज पर काबू पा लिया है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, या चाहे साइंस की नई नई ईजादें हो, इसी की बदौलत से सब कुछ इंसान ने समझ लिया है। इल्म जो है, ये एक बहुत बड़ी दौलत है, इससे इंसान में सब्र पैदा होता है, इस्तिक्लाल पैदा होता है इल्म से ही। गरज, इल्म इंसान के लिए एक बेहतरीन जेवर है, मगर शर्त यह है कि आलिम अपने जेवर से दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। इल्म वो इल्म होता है, जब इंसान खुद इल्म पढ़े तो उसका फायदा दूसरों को भी पहुंचना चाहिए, दूसरों को भी हमें इल्म से, इल्म के जेवर से आरास्ता करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास इल्म होगा तो हम दूसरों तक ये इल्म पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे दूसरों तक इल्म पहुंचाने की, तो हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, हमारा इल्म ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएगा। एक कौम जो होती है वो इल्म से ही मुहज्जब शाइस्ता हो सकती है, और इसकी इल्म से ही जो उसकी कौम के अफराद हो गए, तो उनमें शाइस्तगी पैदा हो जाती है, वो शाइस्ता बन जाते हैं, शराफत, बुरदबारी उनमें पैदा हो जाती है। इसलिए इल्म जो है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी और लाजमी है। इल्म से क्या होता है? इल्म से इंसान में तहकीकात का खोज पैदा होता है, ये मादा पैदा होता है कि मैं तहकीक करूं, मैं देखूं, मैं परखूं हर एक चीज को। इल्म इंसान में जज्बा ईसार पैदा होता है, इस ईसार कहते हैं कुर्बानी को।
اس سال کہتے ہیں اس قربانی کو کہ ایک حدیث ایک واقعہ ہے اس طرح سے کہ کسی جنگ میں صحابہ لڑ رہے تھے تو ایک صحابہ جو تھا وہ شہید ہوا تو وہ پانی پانی کر رہا ہے پانی کے لیے وہ جب اس کو زخم لگے تو وہ زخموں سے چور تھا وہ پانی مانگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں میں خود پانی نہیں پیوں گا پہلے دوسروں کو پلاؤں گا جب تک وہ اس کے پاس گیا پانی پہنچانے کے لیے وہ بھی فوت ہو چکا تھا اللہ کو پیارا ہوا تھا جس نے کیا پاس گیا تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا اسی دوران میں اور اس طرح سے انسان میں ایک جذبہ ایثار پہ اسی کو کہتے ہیں ایثار اپنی مجبوری کو چھوڑ کر دوسروں کی مجبوری کو پورا کرنا اسی کو ایثار کہتے ہیں تو انسان علم کے بغیر انسان کیا ہے ایک حیوان ہے انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے قدم پر علم کی ضرورت ہے علم ہی کے ذریعے انسان نے قدرت پر قابو پا لیا ہے اور قدرت کے کمالات کرشمات کا مطالعہ کیا ہے مشاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وسائل کا تو انسان علم سے ہی انسان ایک شائستہ انسان ایک اچھا انسان بن جاتا ہے تو علم وہ چیز ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو علم چاہیے اسے زیادہ اسے دولت کی فکر نہیں ہوتی ہے بلکہ اسے علم کی فکر ہوتی ہے وہ علم زیادہ چاہتا ہے مگر جو جاہل ہوتا ہے اسے دولت کی فکر ہوتی ہے اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ عارضی دولت ہے تو جو علم کی دولت ہے یہ ہمیشہ رہنے والی دولت ہو یہ جو عارضی دولت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم ہو جاتی ہے ہمارے پاس نہیں رہتی ہے کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے کبھی گدا بن جاتا ہے یہ دولت رہنے والی چیز ہے مگر علم جو ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی یہ بڑھ جاتا ہے اتنے ہی انسان میں اس سے زیادہ یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے علم کی وجہ سے تو یہ اگر علم یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم صندوق میں بند کر کے رکھیں گے نہیں اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے دوسروں کو بھی ہمیں علم سے